मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। मेरी गाड़ी मेरे ठीक सामने थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो मेरे चेहरे को छू रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने दोस्त के घर जाना था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा और चलना शुरू किया। आसपास काफ़ी सन्नाटा था, पर मुझे ये खामोशी अच्छी लग रही थी। पिछले एक हफ्ते में मैं ठीक से सोया नहीं, इसलिए मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं मुझे गाड़ी चलाते चलाते नींद ना आ जाए, जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया। मैं गाने को एंजॉय कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक बीच में एक न्यूज़ स्टार्ट हो गई। पुलिस सभी ड्राइवर्स, विशेष रूप से पुरुष ड्राइवर्स को चेतावनी दे रही है कि आज रात सड़क पर सावधान रहें और किसी के लिए भी ना रुकें। इस हफ्ते सड़क के किनारे 4 हत्याएं हो चुकी हैं, सभी पीड़ित पुरुष हैं। संदिग्ध व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है। उसकी लंबाई 5'8" है और वो आखिरी बार एक नीले रंग की गाड़ी में दिखाई दी थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और चेहरे पर काला मास्क लगाया था। पुलिस एक बार फिर से आप सभी को चेतावनी दे रही है कि किसी के कहने पर भी अपनी गाड़ी को ना रोकें। पुलिस की ये रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि आसपास बहुत सन्नाटा था और मैं सुनसान रोड पर बस यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के ठीक आगे एक और गाड़ी थी। वो बहुत धीरे चल रही थी और उसकी गाड़ी का पहिया भी हिल रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसकी गाड़ी का पहिया निकल ना जाए, इसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा तेज़ किया और उसके आगे जाकर खड़ा कर दिया। फिर मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसकी गाड़ी के पास गया। उस गाड़ी में एक औरत थी। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी गाड़ी का पहिया वो काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था, मुझे डर था कि कहीं वो निकल ना जाए। उसने कहा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ, आपको चेक करना चाहिए। वो औरत मुझे एक लगातार घूर रही थी, शायद वो घबरा गई थी। अचानक मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस औरत से कहा, अच्छा, आपका बच्चा भी आपके साथ है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। वो औरत मुझे एक लगातार घूर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहती है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उससे कहा कि अभी आपने रेडियो पर वो न्यूज़ सुनी? उसने कहा, हाँ, एक औरत है जो लोगों को मार रही है। मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ। उसने कहा, हाँ, जब मैंने शीशे में आपको देखा तो गाड़ी रोक दी, क्योंकि अगर कोई औरत होती तो शायद मैं गाड़ी ना रोकती। मैंने कहा, हाँ, मुझे खुशी है कि आपने गाड़ी रोकी, अगर आप गाड़ी नहीं रोकती तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी गाड़ी का पहिया हिल रहा है और आपके बच्चे को भी चोट लग सकती थी, आप ऐसा थोड़ी ना चाहती होंगी, है ना? उसने कहा, हाँ, सही बात है। वो औरत एक लगातार मुझे घूर रही थी। मुझे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या करना चाह रही है या क्या सोच रही है। मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी थी और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये एक औरत थी और देखा जाए तो इसकी लंबाई भी कम से कम 6 फीट होगी। मैंने उस औरत से फिर से पूछा, क्या मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूं? अगर आप कहें तो मैं ठीक कर सकता हूं। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल, आप मेरी गाड़ी ठीक कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ। मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया। मैंने आगे की सीट से एक बड़ा सा रॉड निकाला और मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला। मेरी मॉम सो रही थी। मैंने कहा, मॉम, जाग जाइए, शिकार मिल गया। मॉम ने आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मॉम गाड़ी से बाहर चली गई थी और मैं सुकून से गाड़ी में बैठ गया। लेकिन अचानक मुझे याद आया। मैंने कहा, मॉम, मेरी बात सुनिए, उसके साथ उसका बच्चा भी है, एक काम कीजिएगा, उसके बच्चे को भी मत छोड़िएगा। हाँ।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।